भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भी राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। आपको बता दें, ये सम्मेलन राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। राजस्थान बीजेपी के नए चीफ मदन राठौर आज प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन मदन राठौर ने पीएम मोदी के बाद बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज यानी 3 अगस्त को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में बजट क्रियान्वयन के साथ राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट और प्रदेश में बारिश से उत्पन्न स्थिति सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा होगी। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या कहा जाता है। इस साल में अमावस्या आज दोपहर 3:50 पर प्रारंभ होगी और 4 अगस्त को शाम 4:42 पर समाप्त होगी। बता दें कि हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या को अत्यंत शुभ माना गया है। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का 7वां संस्करण आज से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम भारत एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में आयोजित होने वाला है। वहीं हॉस्पिटैलिटी जगत से जुड़े तमाम लोग इस खास कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग के मल्टीटास्किंग स्टाफ में आज आवेदन की आखिरी तिथि है। आपको बता दें कि पहले आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में कर्मचारी चयन आयोग ने इसे बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया। रतलाम में ACAI रतलाम ब्रांच का बजट सेमिनार आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि सेमिनार में मुख्य अतिथि कटारिया ग्रुप के प्रमोटर संजय कटारिया होंगे। ये सेमिनार रतलाम के समता सागर पैलेस में आयोजित की जाएगी। खंडवा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज से 5 अगस्त तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज सुबह नगर निगम चौक से प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी, जिसमें रंग बिरंगी वेशभूषा में विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। जयपुर के शास्त्री नगर से जनउपयोगी भवन में आज तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीज क्वीन कंटेंट, डांस प्रतियोगिता, फैशन शो, कल्चर कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रम होंगे। आज अजमेर में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1492 में आज ही के दिन कोलंबस भारत की खोज के लिए रवाना हुए थे। साल 1678 में आज ही के दिन रॉबर्ट लासैले ने अमेरिका में पहले जहाज का निर्माण किया था। साल 1886 में आज ही के दिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। साल 1914 में आज ही के दिन पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। साल 2007 में आज ही के दिन लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक ट्रेन दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।